Bharatendra Singh ji, you have ample time to speak. Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय. मेरे से पूर्व वक्ता नॉनिंग एरिंग जी ने ज्यादातर विषय पर प्रकाश डाल ही दिया है. मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बिंदु रखना चाहता हूं महोदय. ये उद्देश्यों और कारणों का कथन इसमें स्पष्ट दिया है मान्यवर कि छठी अनुसूची के अधीन आदिवासियों का रूढ़ी जन्य जीवन का संरक्षण करने वाले विभिन्न उपबंधों के बावजूद ये अनुसूची कागजों तक सीमित रह गई. विभिन्न मंचों के आदेश जो छठी अनुसूची के अधीन आदिवासियों को दी गई संवैधानिक गारंटियां के पूर्ण रूपेण प्रतिकूल हैं, आदिवासियों पर थोपे जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप छठी अनुसूची के संवैधानिक रक्षोपाय और प्रयोजन ह्रासमान हो रहे हैं. मान्यवर, ये जो उद्देश्य हैं कहीं ना कहीं ये पूरे हो नहीं पा रहे हैं. जैसे नीनोंग एरिंग जी ने कहा कि ऐसे सरल भाषा में उन्होंने बड़ी सुंदर उदाहरण देके बताया कि ये एक शेर है जिसके ना दांत है ना पंजे. जो हम उद्देश्य चाह रहे थे इसका वो तो हो नहीं पा रहा मान्यवर. जनजातियां जो हैं उनकी नाजुक आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को सुरक्षित करना इस विधेयक का ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसका उद्देश्य था. मगर क्या ये संभव हो पाएगा? इसमें पाला जी ने ये भी इसमें कहा है कि इसमें क्षेत्रीय संसाधनों पर खान एवं खनिजों पर स्थानीय निकायों को अधिकृत किया जाए. यह उसमें जोड़ा गया है कि यह तभी संभव हो पाएगा यदि विधानसभा की सहमति हो और राज्यपाल जी विशिष्ट आदेशों से इसे जारी करें. अब इसमें इन्होंने ये सुझाव रखा है पाला जी ने कि इसे 40 से अनधिक सदस्यों को बनाया जाए. 40 सदस्यों के इस समय 30 सदस्य हैं, इसे बढ़ा के 40 कर दिया जाए तो जो जिला परिषद है उससे इसमें इनका ये मानना है कि इसमें बहुत सुधार आ जाएगा. मगर जो जमीनी स्थिति है मान्यवर वो तो बहुत ही दयनीय है. अगर सबसे भ्रष्ट चुनाव कहीं हो रहा है तो वो ये है. जो सदस्य हैं सदन के वो अविश्वास प्रस्ताव के बहाने बार बार पैसा वसूलते हैं सर. जब ये चुनाव होता है तो एक एक वोट बड़ी महंगी बिकती है सब. अब ये हम सब जानते हैं सर. हम सब इस बात से बहुत त्रस्त हैं. तो जब हम ये जान रहे हैं और पहचान रहे हैं, जब हम इस सब बात को अच्छी तरह से अनुभव किए हुए कि ये मूल से चुनाव से ही भ्रष्टाचार इस सदन में व्याप्त है. अगर ऐसे सदन को हम खनिज का और खानों का अधिकार दे देते हैं तो फिर ये जो हम चाह रहे हैं, जो विषय हम चाह रहे हैं कि हम इससे अपने जनजातियों को, अपने आदिवासियों को, अपने पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, हम चाहते हैं कि वहां की जनजातियां अपने संसाधनों पर पुनः हावी हो जाएं, यह संभव नहीं हो पाएगा मान्यवर. यह फिर से उसी भ्रष्टाचार में उलझ जाएगा. कुछ ही लोगों का इससे लाभ हो पाएगा मान्यवर. सदस्यों और अध्यक्ष का जब तक हम सीधा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं कराएंगे मान्यवर तब तक ये चुनाव ऐसा ही रह जाएगा. ये जब तक अगर हम इस सदन से भ्रष्टाचार को, अगर हम चाहते हैं कि जिला परिषद को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करें तो केवल हमें ये सीधा अध्यक्ष का चुनाव सीधा होना चाहिए. और जिस प्रकार से दल बदलू कानून से हम अपनी सरकार को यहां पर विधानसभाओं में और लोकसभा में सुरक्षित करते हैं, इसी तरह से हमें किसी ना किसी तरह से वहां पर भी
जिला परिषद में भी हमें अध्यक्ष की जो अध्यक्ष का जो सदन है, जिन लोगों ने अध्यक्ष को वोट देकर बनाया है, उसे हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही अनिवार्य इस बात से भी हम सब हमें अच्छा हम सबको पता है अच्छी तरह से कि जैसे ही दो साल समाप्त होते हैं अविश्वास प्रस्ताव तत्काल आ जाता है। जैसे ही प्रदेश की सरकार बदलती है वैसे ही अविश्वास प्रस्ताव एकदम से लाया जाता है। तो इस भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे किया जाएगा? मान्यवर, विषय यह है, यदि हम सच ही चाहते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपने संसाधनों पर अधिकार मिले, उन्हें अपना जो सामाजिक उनका जीवन है जो कि बहुत नाजुक है, जो उनका आर्थिक जीवन है, उनके उनके खेतों में उनके जीवन में हम बड़ी बढ़िया कंपनी भेज रहे हैं, उनके वहां पे खनन का काम चल रहा है, उनके खेत उजड़ गए, जिन लोगों के खेतों के नीचे अरबों करोड़ों रुपए की खनिज पड़ी है वो बेचारे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं, उनका जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम चाहते तो हैं कि हम किसी भी प्रकार से इसे हम नियंत्रित करें, मगर ये मान्यवर मेरा ऐसा मानना है ये तभी हो पाएगा जब हम एक ऐसी अविश्वास प्रक्रिया जो है ये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया उसे हम किसी भी प्रकार से इसी प्रकार से संरक्षित करें जैसे दल बदलू कानून विधानसभाओं में और लोकसभा में लाया गया है, तभी हम ये कर पाएंगे। एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि खास तौर से पूर्वोत्तर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है मान्यवर, और वो है कि जो वहां की मतदाता सूची है वो ही दूषित हो गई। मतदाता सूची में तमाम घुसपैठियों के नाम भर गए। आहिस्ते आहिस्ते जिनका हम संरक्षण करने चले हैं, जिन जनजातियों का संरक्षण करने के लिए हम आज यहां पर 6:15 बजे तक इस सदन को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, क्या हम ऐसे विधेयक को पारित करके क्या हम सच ही उन्हें संरक्षित कर पा रहे हैं मान्यवर, या हम ये पूरी सत्ता घुसपैठियों के हाथों में दे रहे हैं मान्यवर, और इस और ऐसे कानूनों के द्वारा हम उन घुसपैठियों के हाथों में वहां की खनिज और सारी संपदा प्राकृतिक संपदा भी उन्हें सौंप रहे हैं मान्यवर। तो जब तक इस मतदाता सूची का नियमानुसार दृढ़ अनुपालन नहीं हो जाता तब तक हम निश्चित रूप से ऐसे कदम को नहीं उठा सकते। इससे हमारे जनजातियों के हाथ से उनके उनके प्रदेश का, उनके खेतों का, उनके जीवन जो है वो उनके हाथों से निकल जाएगा मान्यवर। तो ये सारी बातें हैं मान्यवर, हम जनजातियों का जो संतुलन है वहां पर, जो 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 उनका जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है मान्यवर। तो इसमें बड़ी गंभीरता से ध्यान करना पड़ेगा मान्यवर, नहीं तो जिस विषय को हम लेके चले हैं, जिस उद्देश्य को हम लेके चले हैं, वो उद्देश्य ही जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा मान्यवर, वो नष्ट हो जाएगा। मैं अपना विषय इस बात को कहकर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट यू हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन एंड वी वेंटिलेट इट डेमोक्रेटिकली। अभी मैं थैंक यू भरतेंद्र जी, मैं राजभर जी को हरिनारायण राजभर जी